हेलो सन मून एंड राइजिंग वेट वेलकम टू माई चैनल ड्रीम टेयरोड ये आपके और आपके पार्टनर की हवाले से यू एस डैम रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है टाइमलेस मींस जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेज भी देख सकते हैं अपने जरूरी एक साइन के हिसाब से मेरे चैनल पर और कलेक्टिव मीन्स जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें एंड लीड द रेस्ट इफ न्यू टू आई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपको मुझसे पर्सनल लिंक चाहिए तो भी आप उस समय इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट सकते हैं फॉलो माई फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशंस सो लेट स्टार्ट पहले मैं आपके हवाले से एक कार्ड लूँगी देन आपके पार्टनर के लिए बिकॉज और आपकी रिलेशनशिप में ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से एक कार्ड होगा एंड अंडरनीथ आपके पास है प्रोरोस हो सकता है आप किसी नेगेटिविटी में स्टक होकर हो चुके थे आ, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज रहे हों आपको और हैप्पीनेस लाइक like, आपने एक टाइम पे इस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फन एंड शाइन एक अच्छा टाइम अपने पार्टनर के साथ गुजारा उसके बाद आप स्टक हो चुके हैं किसी नेगेटिविटी में अभी स्टक पीरियड चल रहा है और आप चाहते हैं स्टेबिलिटी लाइक स्टेबिलिटी चाहते हैं कमिटमेंट चाहते हैं उस पर्सन से ओवरऑल सिचुएशन में ये yes, सी यहाँ पे थ्री ऑफ कप है आप दोनों ही री रीयूनियन चाहते हैं और रीयूनियन या तो बहुत करीब है या फिर आप दोनों बहुत से लोगों का रीयूनियन हो हुआ है अभी रिसेंटली में और जिनका नहीं हुआ तो वो बहुत अनकरीब उनका रीयूनियन हो सकता है या आप दोनों ही अपने आप को सोशलाइज़ कर रहे हैं एक दूसरे से लाइक एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजार रहे हैं या फिर आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो अच्छा टाइम गुजार रहे हैं और रीयूनियन एक दूसरे के हवाले से रीयूनियन के हवाले से भी सोच रहे हैं रीयूनाइट होना चाहते हैं आप आप वे गुज बहुत ज़्यादा एनजाइटी का शिकार हैं आपको स्लीपलेस नाइट्स का सामना करना पड़ा है लाइक like, uh, uh, रातों को आपको सही से नींद नहीं, नहीं आती हो सकता है ये एन्जाइटी की वजह से हो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं उस वजह से भी हो सकता है बट आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करें इस वजह से आप जो है एन्जाइटी का शिकार हैं और आपकी स्लीपलेस नाइट वाली कंडीशन है एंड देन योर पार्टनर आल्सो इन अ पेनफुल कंडीशन आपके पास नाइन है और आपकी पार्टनर की ज़्यादा हालत आपसे ज़्यादा ख़राब है सो so, उनको ऐसा लगता है कि इट के सब लोगों ने उनको बिट्रे किया है इंक्लूडिंग यू आपसे आपकी आप भी ने भी किया है तो आप दोनों ही एक जैसी सिचुएशन में हैं और एक दूसरे के लाइक यहाँ पे एड ऑफ सोर्स भी है तो अभी ये देखें एट नाइन टेन सो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आप दो दोनों एक दूसरे स्टक फील करते हैं लाइक एक दूसरे एक दूसरे की तरफ फ सॉरी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते हैं इस वजह से आप दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील करते हैं और पेन फील करते हैं लेकिन आप दोनों ही री होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप की लेकिन दोनों हो सकता है किसी नेगेटिव थाट्स में अटक चुके हैं फंस चुके हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं मिस अंडरस्टैंडिंग मुझे क्रिएट हुई हुई भी नज़र आती हैं तो हो सकता है इन मिसान्डरस्टैंडिंग्स को आपको दूर करने की जरूरत है और यस लेट्स सी के दिस लाइन ऑफ सोर्ट्स हेयर फॉर बिरगोस बिरगोस के लिए लाइन ऑफ सोट्स क्यों हैं यहाँ पे अन uh, यस आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लॉस पर बहुत ज़्यादा आप लाइक ट्राई ओवर नाइट करते हैं रोते भी हैं और लेकिन फिर भी आप क्लोज ऑफ्ट हैं हो सकता है कि आप अपनी ये सिचुएशन किसी को बताते ही नहीं लेकिन हो सकता है आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा एन्जाइटी का शिकार हैं बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में है और आपके पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त वाई दिस टेन ऑफ सोर्स इज एयर वीगोज़ पार्टनर वीगोज़ के पार्टनर के लिए टैन ऑफ सोर्स क्यों हैं यहाँ पर सो so, आपके पार्टनर जो है ना वो आप तक आना चाहते हैं वो चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हों इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से अपॉलॉजी आ सकती है अगर अपॉलॉजी नहीं है तो एक ऐसा जस्टर आपको मिल सकता है कि आपको लगे कि वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं बट आम, हो सकता है उन्होंने पास्ट में उनको किसी ने मैनप्लेट किया या नेगेटिविटी में वो इतने स्टक रहे कि वो आपकी तरफ जो उन्हें एक स्टेप लेना था वो नहीं लिया उन्होंने अब वो पछता रहे हैं इस पर क्योंकि अब उनको हर तरफ से बिट्रेल फील हो रहा है और वो आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते थे या देना चाहते हैं लाइक like, वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं बट हो सकता है कहीं स्टक हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगेटिव किसी थॉट में वो स्टक हैं फिर भी वो आना चाहते हैं बट स्टकनेस की वजह से वो और और ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं सो so, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड मुझे दो टू टाइम्स नज़र आया है, तो ये आपके भी आप भी पुरुद हैं और वो भी पुरुद हैं कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ बेहतर हो जाएगा और बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा यह आपके अंडर के कार्ड हैं एंड देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में वेगोस आप दोनों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है मुझे लगता है कि आप दोनों फन टाइम एक साथ गुजार रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्टक भी हैं एक दूसरे से दूर भी हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं यस सो एंडिंग्स होने वाली हैं ये जो टाइट सम सिचुएशन है आप दोनों की इसकी एंडिंग होगी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है उनकी तरफ से देन स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है यहाँ पे डिवाइन का बहुत हो सकता है कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी स्पिरिचुअल पर्सन की हेल्प ले रहे हैं और आ, पैशन भी आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन टू वर्ड लाइक एक कोई एक पर्सन एक्शन ज़रूर ले सकता है एक बंदा जो है वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है और एक बंदा प्रैक्टिकल एक्शन ले रहा है हो सकता है इस मैनिफेस्टेशन की वजह से ही जो दूसरा पर्सन है वो एक्शंस ले रहा है और स्टेबिलिटी आ रही है आप या आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको नजर आएंगे यस योर डिज़ायर्स विल फुलफिल और जिसके लिए आपको एक लॉजिकल डिसीजन लेना होगा ना कि कोई इमेच्योर डिसीजन सो so, यस yes, यहाँ पर किंग्स की एनर्जी है क्वींस की एनर्जी है तो मेच्योर एक्शंस और मेच्योर डिसीजंस ही होंगे और स्टेबिलिटी भी आई सो दैट वाज योर रीडिंग इफ फून यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमिंग लाइक लाइव और यू सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग